हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक गर्मा गर्म सांभर की रेसिपी, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में, और इतने इजी तरीके से मैं इसे बनाऊंगी कि आपका भी जी ललचाएगा इसे बनाने के लिए। और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। ये चावल के साथ भी बहुत सही लगता है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और विंटर्स इसकी सबसे एडिक्वेट सीज़न है इसे खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सांभर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दाल है ये अरहर की दाल। यहाँ पे मैं दो जने के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे ये 150 ग्राम जितना दाल मैंने लिया है। सबसे पहले इसे अच्छे से धो लेंगे, धोकर इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने दाल को धोकर डाल दिया है। अब देखिए पानी मैंने उतना डाला है कि जितने में ये दाल जो है पूरी डूब जाए पानी में। अब इसे हम दो विसल तक पकाएंगे और मीडियम फ्लेम में ही ये रहेगी। कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दी थी। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो हम इसमें एक एक करके सब्जियां डाल देंगे। ये वो सब्जियां हैं जो हमें सांभर में हम यूज करेंगे। आप इनमें से कोई भी सब्जी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ड्रम स्टिक्स, मेरे पास ये गाजर और ये बीन्स, ये एक छोटा बैंगन जो मैंने काट के धो के रखा है। अब हम सब सब्जियों को मध्यम आंच में पका लेंगे जब तक ये नरम हो जाए। इसमें से जो भी सब्जी आप है कि स्किप करना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जी आपको पसंद है सांभर में, उसे आप ऐड भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, डाल देंगे थोड़ी हल्दी, अच्छे से सब मिला लेंगे। सब्जियां नरम होने तक हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे, तब तक ये ढक के रख देंगे। अब हम ढक्कन को खोल लेते हैं। देखिए सब्जी हल्की तो पक गई है। अब हम इसी टाइम पे डाल देंगे इसमें वो दाल जो हमने बॉईल करके रखा था, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दाल को डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मध्यम आंच में ही पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये जो सारी सब्जियां हैं ये तो थोड़ी हल्की फ्राई हो चुकी थी, अब दाल के साथ ये हल्की और गल भी जाएगी और इसका पूरा जो टेस्ट है इसमें आ जाएगा। इसी टाइम पे हम ये प्याज और यहाँ पे लंबा लंबा कटा हुआ टमाटर हम इसमें डालेंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, प्याज और टमाटर अगर सांभर में पसंद नहीं है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। और अगर आप खा सकते हैं तो इसे ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है इसको डालकर। 3 से 4 मिनट हो गए हैं सांभर को पकते हुए। अब हम लिड को निकाल लेंगे, सांभर में उबाल आ गया है। हम डालेंगे ये इमली का पल्प। सांभर मसाला पाउडर है, ये इंस्टेंट भी मार्केट में मिलता है। जैसे कि मैं इस तरीके से इंस्टेंट सांभर मसाला पाउडर खरीद लेती हूँ सांभर बनाने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हम दाल में यूज़ करेंगे। इसे मैंने रेडी कर लिया है, अब इसे हम दाल में बाहर डाल देंगे। अब मैं ये सांभर मसाला पाउडर इसमें डाल दूंगी। दाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम मैक्सिमम अभी 3 से 4 मिनट ही इसे पकाएंगे, फिर गैस को हम बंद कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, सब मसाला भी इसमें मिक्स हो गया है, और देखिए सब्जी भी कितनी अच्छी गल गई है, सारी सब्जियां गल गई है, सांभर भी थोड़ी हल्की गाढ़ी हो गई है। अब हम कर लेंगे गैस को बंद। तड़के की तैयारी करेंगे। मैंने पैन गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। हम ये सब मसाले अब इसमें डाल देंगे, पूरा तड़का इसमें डाल देंगे। सांभर हमारी रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी,
और तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।